वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। वन कॉन्सेप्ट आ डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, डिस इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है? वो सारी कंपनीज इन विच गवर्नमेंट हैज मोर देन 51% शेयर होल्डिंग। मतलब वो कोई भी कंपनी जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% या उससे ज्यादा हो तो उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सरकार क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। मतलब इनको पैसा दिया जाता है उनकी ऑपरेशंस के लिए, उनको कहीं और इन्वेस्ट करना है उसके लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सरकार उसमें इन्वेस्ट कर रही है, उन कंपनीज को पैसा दे रही है। तो डिस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जब सरकार इन कंपनीज से, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से अपना पैसा खींच लेती है, मतलब उसमें क्या करती है, उसमें इन्वेस्ट करने की जगह क्या करती है, अपना पैसा निकालना शुरू कर देती है। पैसा कैसे निकालेगी? बाय सेलिंग देयर ओनरशिप। अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेच देती है, अपना पैसा उसमें से निकालती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। और ये डिस इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स का हो सकता है? वो माइनॉरिटी डिस इन्वेस्टमेंट हो सकता है। माइनॉरिटी डिस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जब सरकार जो है अपनी ओनरशिप सिर्फ इतनी ही बेचे कि उसकी जो 51% हिस्सेदारी है वो मेंटेन रहे, जो उसका मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी सरकार के पास ही रहता है। तो माइनॉरिटी डिस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? मान लीजिए सरकार का किसी कोई कंपनी थी, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी थी, ये अभी तक 100% ओन थी, तो सरकार अगर इसमें 10% हिस्सा अपना बेच दे तो क्या होगा कि 90% शेयर अभी भी सरकार के पास ही रहेंगे और मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार के पास ही है। तो ये हुआ माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें शेयर बेचने के बाद भी सरकार की जो हिस्सेदारी है, जो ओनरशिप है, वो 51% या उससे ज्यादा ही रहे और मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार के पास ही रहे। तो ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट को कहते हैं माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब सरकार अपनी हिस्सेदारी इस तरह से बेच दे कि जो उसकी ओनरशिप है वो लेस देन 51% पे आ जाए और मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि सरकार ने एक कंपनी थी मॉडर्न फूड्स, जो कि ब्रेड्स बनाती थी, इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया था। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया था। मतलब सरकार जब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो उसमें सरकार अपनी जो मेजॉरिटी ओनरशिप है उसको बेच देगी और मैनेजमेंट कंट्रोल भी किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी और पीएससी को उसको ट्रांसफर कर देगी। कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? कंप्लीट डिसइन्वेस्ट का मतलब है आउटराइट सेल। आउटराइटली आपने सेल कर दिया, जैसे एयर इंडिया। अब सरकार ने इसमें क्या किया, 100% अपनी ओनरशिप जो है बेच दी, पूरी तरह से कोई ओनरशिप रखी नहीं है, इसको कंप्लीटली सेल आउट कर दिया सरकार ने। वेरी सॉरी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। रैशनल क्या है कि सरकार क्यों डिसइन्वेस्ट कर रही है? पहले आपने कंपनीज बनाई, उनको इतने सालों तक चलाया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप उनको डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं? जो सबसे पहला रीजन दिया जाता है कि काफी सारी जो पीएसयूज हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, दे आर इन द लॉस मेकिंग। सरकार के ऊपर बहुत फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। फाइनेंशियल बर्डन क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो लॉस में जा रही हैं, तो उनको लॉस को पूरा करने के लिए वो सरकार से पैसा लेती हैं, तो सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बढ़ता जा रहा था। तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो वो सरकार के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन भी रिड्यूस होगा। जब सरकार का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, उनको कम पैसा जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लगाना पड़ेगा, तो जो पब्लिक फाइनेंसेज हैं वो इंप्रूव होंगे। पब्लिक फाइनेंसेज, जैसे उनकी जो फिस्कल डेफिसिट कंडीशन है,
वो इम्प्रूव होगी, रेवेन्यू डेफिसिट ये सब जो है ये इम्प्रूव होंगे। फंड्स ग्रोथ, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के बाद पैसा आएगा, जो भी रेवेन्यू अर्न होगा, सरकार उसको किस सेक्टर में लाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में या सोशल सेक्टर में, उस पैसे को यूज कर सकती है हेल्थ में, एजुकेशन में, तो ग्रोथ को फंडिंग करने में भी हेल्प मिलेगी। रीएलोकेशन, किस चीज का रीएलोकेशन, जो भी रिसोर्सेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास थे, जैसे मैन पावर थी, कोई टेक्नोलॉजी थी या फिर इनकी बिल्डिंग्स थी, तो उसका भी रीएलोकेशन होगा, जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर इन रिसोर्सेज को भेजा जाएगा। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी है, तो जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉयज थे उनको उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। उनके मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस जो है किसी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, तो उसके बाद वो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के ऑफिस में शिफ्ट हो सकता है। तो इस तरह से रीएलोकेशन होगा रिसोर्सेज का और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगा। सिक पीएसयूज, एक सिक पीएसयूज का मतलब क्या है, जो भी लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं और उनको एक वार्निंग के तौर पर डिसइन्वेस्टमेंट देता है कि आप भी सुधर जाइए, आप अपनी फंक्शनिंग को इंप्रूव करिए, अदरवाइज आपको भी बेच दिया जाएगा और फिर आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक सिक पीएसयू जो भी लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनको एक वार्निंग साइन भी देता है। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा क्योंकि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेट कंपनी आएगी उसको एफिशिएंटली ऑपरेट करने की कोशिश करेगी, तो उससे मार्केट में जो है कंपटीशन बढ़ेगा बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या आता है, इनोवेशन आता है, प्राइसेस जो है गुड्स या सर्विसेज के वो भी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, वो भी रिड्यूस होते हैं, बेटर सर्विसेज जो है वो सिटीजन को मिल पाएंगी। तो ये सारे फायदे हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। वाइडर ओनरशिप, अब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन रहेगा विद गवर्नमेंट, अब कुछ चीजें गवर्नमेंट के पास रहेंगी, कुछ चीजें जो है प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएंगी, या फिर आउटराइटली अगर हम सेल नहीं करते हैं तो भी किसी कंपनी का, किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो ओनरशिप है वो वाइडर होगी कि उसमें सरकार भी है, उसमें मान लीजिए 10% हिस्सेदारी टाटा ने ली है, 10% हिस्सेदारी रिलायंस ने ली है, तो इस तरह से ओनरशिप जो है वो भी वाइडन होगी। डीपॉलिटिसाइजेशन, जब कंप्लीटली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल होते हैं तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो डिसीजंस होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ द डे, गवर्नमेंट को जैसा लगता है उनको वैसा करना पड़ता है, बट जब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पहुंच जाएंगी या मैनेजमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पहुंच जाएगा तब ये डीपॉलिटिसाइज हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किस पे काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से काम करता है, तो जो उनके डिसीजंस होंगे वो इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे ना कि पॉलिटिकल डिसीजंस। तो ये सारे रैशनल दिए जाते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट और फेवर में, अगेंस्ट में क्या जाता है कि इट इज अगेंस्ट द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, आपने इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बनाया गया था क्योंकि हमारी एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, प्रीएम्बल में लिखा कि हम सोशलिस्ट कंट्री की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, तो ये जरूरी था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, लेकिन जब आप इनको बेच देंगे या डिसइन्वेस्ट कर देंगे तो फिर से कुछ लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इट मे ऑल्सो लीड टू मोनोपोली एंड ओलिगोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस बाय कॉर्पोरेट्स। अब जैसे सरकार BSNL MTNL को जो है पूरी तरह से बेचने की तैयारी में है, तो ये जब बिक जाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, टेलीकॉम फील्ड में सिर्फ 2-3 कंपनियां बची हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल एंड आइडिया वोडाफोन, तो ये 3 कंपनी बचेंगी, उसमें से भी हो सकता है एक आध कंपनी और बिक जाए या फिर बंद हो जाए, तो फिर सिर्फ 1 या 2 कंपनी की क्या रह जाएगी, एक मोनोपोली रह जाएगी। तो ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जाने के बाद किसी पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली बन जाए। जो प्रोसीडिंग्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट की वो क्यों की जा रही है, सरकार अपने एसेट्स को क्यों बेच रही है, क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, वो अपने खर्चे नहीं संभाल पा रही है, इसलिए वो अपने जो है एसेट्स बेच रही है और उनको अपने खर्चों को वहां से पूरा कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। रंगाराजन कमिटी ने कहा था कि प्राइवेट ओनरशिप डज नॉट गारंटी दी एफिशिएंसी, कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर ये आरोप लगाते हैं कि वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं, बट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कंपनीज बंद होती हैं, वो ठीक से नहीं चल पाती हैं। तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दे देने का ये मतलब नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है या फिर वो बहुत एफिशिएंटली
काम करना शुरू कर देंगे। इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज हैड बीन डन बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एसेट्स। और उसमें फेवरेटिज्म है, जब मान लीजिए कोई शेयर्स बेचने की बात आती है या कोई एसेट बेचने की बात आती है तो उनकी जो वैल्यूएशन है, कि मान लीजिए आपको एयर इंडिया को बेचना था तो सरकार ने क्या किया कि तो 100 करोड़ ही इसकी कीमत है, लेकिन इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 500 करोड़ में भी बिक सकती थी। तो आपने क्या किया, अपने एसेट को अंडर वैल्यू किया और फेवरेटिज्म दिखाया कि अपने किसी मंत्री के किसी रिश्तेदार को दे दिया गया या उस कंपनी को दिया गया जिसने आपको पॉलिटिकल फंडिंग की गई थी। तो जो आपका प्रोसेस है वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंडर वैल्यूएशन हो रहा है। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं अगेंस्ट द डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेट ओनरशिप माइट ओवरलुक डेवलपमेंटल रीजनल डिस्पैरिटी। अब देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहां कहां एस्टेब्लिश हुए थे, जैसे स्टील प्लांट्स कहां लगे, भिलाई में, दुर्गापुर में, फर्टिलाइजर प्लांट कहां लगा था, सिंदरी में। तो क्या था कि उससे रीजनल डेवलपमेंट भी हुआ, ये बहुत बैकवर्ड एरियाज थे, वहां पे पब्लिक सेक्टर जब एंटरप्राइजेस पहुंचे तो उन्होंने उस रीजन का डेवलपमेंट किया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से, उनका मतलब है प्रॉफिट से। तो वो इस जो रीजनल डेवलपमेंट है उस एम को क्या करेगा, ओवरलुक कर देगा। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है ये अगेंस्ट में दिए जाते हैं। फेवर में क्या क्या दिया जाता है कि क्यों डिसइन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड यूनियनिज्म है और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या एंटरप्राइजेस उनको ठीक से काम नहीं करने देता है। ट्रेड यूनियन किसी भी रिफॉर्म के हमेशा अगेंस्ट में होती हैं। जो डिसीजंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लेती हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन इकोनॉमी बट बेस्ड ऑन पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें होता है। प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटडेटेड स्किल्स। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि वो ओवर स्टाफ्ड होते हैं, सबको भर्ती कर लिया जाता है लेकिन उनके पास काम नहीं होता है, उनकी स्किल्स जो शुरू में दी गई थी वही होती हैं, उनको अपडेट नहीं किया जाता, उनकी रीस्किलिंग नहीं होती है किसी तरह की, और उसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो इंपैक्ट होती है। प्राइवेट प्लेयर्स वर्क आउट ऑफ रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी एंड फोकस ऑन परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर एंड इफेक्टिवनेस। ये स्टेटमेंट किसका था, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, उसने कहा कि जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो ऐसा नहीं कि फाइलों पे काम चल रहा है, रेड टेपिज्म, कल आना परसों आना, ये नहीं होता उनका रवैया, इसे ढुलमुल रवैया नहीं होता है। वो हमेशा क्या करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर होता है, आउटकम पे ध्यान देते हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आउटकम भी आप अचीव कर पाएंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ने फेवर किया था डिसइन्वेस्टमेंट को। मोर रोबस्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग लीड्स टू कॉम्पिटिशन इन प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन PSUs। अगर आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग करवाते हैं अपने किसी एसेट की किसी कंपनी की तो उससे मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। Moreover, it ensures that product service portfolio remains contemporary by developing or acquiring technology. जब private sector आएगा तो competition होगा तो हर कोई ये कोशिश करेगा कि कैसे अपने product को या service को upgrade किया जाए। तो जो भी नई technology है, जो नई innovations है, वो उसको adopt करेंगे, जो कि आज फिलहाल हमारी public sector enterprises नहीं करती हैं। तो ये सारे arguments दिए गए थे in favor of disinvestment. इस इन्वेस्टमेंट में क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कि आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन कर लेने चाहिए कि क्या हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स होंगे, जैसे डिफेंस हो सकता है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, रेलवेज हो सकता है, एटॉमिक एनर्जी हो सकती है। तो सरकार को अपने प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड कर लेने चाहिए कि हम सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में रहेंगे, बाकी सेक्टर्स में हम क्या कर देंगे, हम एग्जिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन सोशल रिटर्न्स, सोशल और स्ट्रेटेजिक रिटर्न्स सरकार को देखने चाहिए, कि जैसे मान लीजिए रेलवेज है तो रेलवेज क्या है, सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीब लोगों के लिए एक मात्र मीडियम है, जो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं तो वो ट्रेन के थ्रू कर सकते हैं, वो एयरवेज के थ्रू नहीं कर सकते हैं, तो उसका बहुत सोशल एक रिटर्न है। तो ऐसे सेक्टर्स में सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना कि डिसइन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो सोशल और स्ट्रेटेजिक रिटर्न को देखते हुए हो, कि उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से क्या सोशल रिटर्न है, क्या स्ट्रेटेजिक रिटर्न्स है। फोकस करिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पे, स्ट्रेटेजिक मतलब जो डिफेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो, हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है,
नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऐसे सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करिए, उन प्रायोरिटी सेक्टर्स में से आप जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उन पर फोकस कीजिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। फोर्थ इज स्ट्रेंथन रेगुलेशंस। अब जब आप प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो जो कंपटीशन है उसकी वजह से ऐसा ना हो कि कुछ वो गलत तरीके अपनाए, तो इसलिए आपको अपनी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, सो दैट कि क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा ना पहुंचे, बल्कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट कैन आइदर रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ट्रांसफर दी ओनरशिप ऑफ पीएसयू ऑल टुगेदर टू द हाइएस्ट बिडर। सेकेंड इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसको डीपीएम कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज टास्क्ड विद द मैनेजिंग सेंटर्स इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज। थर्ड इज इन द लास्ट 5 ईयर्स द गवर्नमेंट हैड बीन अनेबल टू मीट द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट इट वॉन्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ए 1 एंड 2, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 3 या डी 2 एंड 3। अब देखिए डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब यही कि सरकार अपना पैसा उसमें से निकाल लेती है, तो या तो वो पूरा पैसा निकाल सकती है, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती है, या फिर कुछ पर्टिकुलर शेयर, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर वो निकाल सकती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि डीपीएम जो है वो मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट को या डिस इन्वेस्टमेंट को, तो बिल्कुल सही बात है। डीपीएम जो है वो देखता है कि सरकार को किसमें इन्वेस्ट करना है या किसमें डिस इन्वेस्ट करना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इन द लास्ट 5 ईयर्स द गवर्नमेंट हैज बीन अनएबल टू मीट द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट इट वॉन्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो ये थोड़ा डाइसी स्टेटमेंट है। हाँ, 2020-21 में और 2019-20 में सरकार जो है अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाई है, लेकिन 2018-19 और 2017-18 में एक्सीड किया था गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स को। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 5 सालों में लगातार हम अपने टारगेट को मिस कर रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलर लास्ट 2 ईयर्स में हमने मिस किया, उससे पहले 2 साल में हमने एक्सेस में अचीव किया था, उससे पहले 1 साल में फिर से हम टारगेट मीट नहीं कर पाए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर शुड बी A1 एंड 2। अब एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन दी पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये आपके मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज 1 कॉन्सेप्ट अ डे में हमने डिस इन्वेस्टमेंट को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेकर के आएगा। थैंक यू सो मच।